महात्मा गांधी। इस नाम से मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, आप हम नहीं, पूरी दुनिया परिचित है। और याद रखिए, इस समय जो आप देखते हैं व्हाट्सएप फेसबुक दुनिया चल रही है, यूनिवर्सिटी एक तरह से छाई हुई है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि यहीं से जानकारी इकट्ठी करते हैं, उन्हें यहीं से सच्चाई मालूम चलती है, उनकी सच्चाई की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप व्हाट्सएप फेसबुक से जानकारी इकट्ठा करते हैं तो आपको गांधी जी को गाली देने का पूरा हक है। अगर आपने इतिहास की बुक्स पढ़ी है, इतिहास के बारे में जाना है, तो मुझे लगता है कि आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि गांधी जी क्या थे, आजादी में उनकी भूमिका क्या रही है। एक बात और हमेशा बताना, देखिए सबके अपने अपने काम होते हैं। कहते हैं ना कि आग का काम है जलाना, पानी का काम है बुझाना। तो ये नहीं कह सकते हम लोग, कई बार आप टॉपिक पूरा सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस देखिए आप लोग उठा के, आपको बताया जाता है कि गांधी जी ना होते तो आजादी कब मिलती, आजादी में क्या भूमिका रही है, हमारे भगत सिंह, राजगुरु, इन सब की भूमिका क्या रही है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि ऐसा नहीं कि आप भगत सिंह को नकार दें या सुखदेव को पूरी तरह से नकार दें उनके योगदान को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से, आप मुझे लगता है इतिहास से परिचित हैं, तो आप सभी को उतना ही सम्मान देंगे जो उस लायक थे। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कोई मतभेद नहीं, आप कोई राजनेता तो है नहीं कि वोट बैंक के लिए आप गांधी जी को गाली दें या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को गाली दें। उनके बारे में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर हमारी अच्छाई नहीं बता सकते हैं उन्हें, उनकी, और उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो हमारी कोई औकात नहीं कि हम उनका नाम लें। ठीक है, भगत सिंह हम लोग नहीं बन सकते हैं तो मतलब उनके रास्तों पर नहीं चल सकते हैं। आप देखिए, कितनी भी बुराई रही हो, कितनी भी मतभेद रहे हो गांधी जी से, लेकिन उन्होंने कभी एक तरह से उन पर कोई कटाक्ष नहीं किया गांधी जी पर। आप आजादी के बाद भी देख लीजिए, नेहरू की जब पहली कैबिनेट बनती है तो उसमें आप देखते हैं भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब के मतभेद थे एक तरह से कई मुद्दों पर, लेकिन सभी को जगह दी गई नेहरू की मंत्रिमंडल में। क्यों दी गई? क्योंकि आप जानते हैं कि अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक अच्छे कानून के ज्ञाता थे। उन्होंने ही ऐसा संविधान बनाया कि आज हम पूरी दुनिया देख रहे हैं कि कहती थी कि भारत 2 से 4 साल में कई टुकड़ों में बट जाएगा। आज भी हम लोग एक तरह से बंधे हुए हैं संविधान पर, सबका भरोसा भी है। एक तरफ आप सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को देखिए, भारत कई टुकड़ों में बट जाता अगर वो ना होते, उन्होंने एक किया पूरे भारत को। ठीक है, तो सबका अपना अपना योगदान है और आजादी में किसी के योगदान को नकार नहीं सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आप देखते हैं कि गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, या किसी भी नेता, उस समय के नेताओं के बारे में। देखिए, उस समय के नेताओं की आज के नेताओं से तुलना मत किया करिएगा, जमीन आसमान का फर्क है। आज के नेताओं ने तो एक तरह से नेता शब्द को ही एक तरह से इतना धूमिल कर दिया। और गांधी जी की बायोग्राफी के बारे में, जीवन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आपके जितने भी नेता हैं सबके बारे में। यहाँ आपकी परीक्षा में जो मेंस में आ सकता है, आंसर राइटिंग कर सकते हैं उस समय डाल सकते हैं जो, या इंटरव्यू में, उन्हीं को हम लोग पॉइंटों को देख लेते हैं। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा कि 2 अक्टूबर 1869 का उनको जन्म होता है, और आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को उनकी डेथ हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है, वर्तमान अस्थिरता के दौर में जहां एक और कोविड-19 और बेहाल किए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इसके आर्थिक परिणाम भी लोगों को भविष्य के प्रति आशंकित किए हुए हैं। कभी हाथरस जैसे कांड लोगों को मानवीय मूल्यों पर चिंतन हेतु विवश करते हैं, तो कभी ड्रग्स जैसे मामले समाज को झकझोरते हैं। आज संपूर्ण विश्व बाजारवाद के दौर में शामिल हो चुका है, लालच की परिणति युद्ध की सीमा तक चली जाती है। ऐसे में आप देखेंगे गांधीवाद की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक हो जाती है। तो क्या गांधीवाद को अपनाने के लिए हमें टोपी या धोती पहनने की जरूरत है, या फिर ब्रह्मचर्य अपनाने या फिर घृणा करने की आवश्यकता है? नहीं, इनमें से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि घृणा को दूर करने के लिए गांधीवाद को अपनाने की जरूरत है। जो वाद शब्द लगा रहता है, ये किसी विचार, खास विचारधारा को बताता है। आप देखते हैं समाजवाद, कभी कभी आप नाम सुनते हैं गांधीवाद, तो गांधी की जो विचारधारा थी उसे ही एक तरह से आप गांधीवाद कह देते हैं। ठीक है, अब आखिर प्रश्न उठता है कि यह गांधीवाद है क्या, जिसके लिए आप देखते हैं कि इतनी राजनीति होती रहती है, जो भी पॉलिटिक्स हैं आपके पॉलिटिशियन वो सभी इसका उपयोग भी करते रहते हैं। किसी भी शोषण का अहिंसक प्रतिरोध सबसे पहले दूसरों की सेवा, संचय से पहले त्याग, झूठ के स्थान पर सच, अपने बजाय देश और समाज की चिंता करना आदि विचारों की को समग्र रूप से गांधीवाद की संज्ञा दी जाती है।
गांधीवादी विचार व्यापक रूप से प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रेरणा पाते हैं और इन विचारों की प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है। आप देखेंगे कई देश आपके कई हमारी दुनिया में कई देश आजाद भी हुए हैं गांधी जी की विचारधारा पर जाके। आप देखते हैं कि नेल्सन मंडेला को अफ्रीका महाद्वीप का गांधी जी कहते हैं, ठीक है। आज के दौर में जब जब समाज में कल्याणकारी आदर्शों का स्थान असत्य, अवसरवाद, धोखा, चालाकी, लालच, स्वार्थपरता जैसे संकीर्ण विचारों द्वारा लिया जा रहा है, तो समाज सहिष्णुता, प्रेम, मानवता, भाईचारे जैसे उच्च आदर्शों को विस्तृत करता जा रहा है। विश्व शक्तियां शस्त्र एकत्रित करने की स्पर्धा में लगी हुई है, लेकिन एक छोटे से वायरस को हरा पाने में असमर्थ और लाचार साबित हो रही है। ऐसे में विश्व शांति की पुनर्स्थापना के लिए, मानवीय मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए आज गांधीवाद नए स्वरूप में पहले से ही कहीं अधिक प्रासंगिक हो रहा है। आप देखते होंगे कि ये कह रहा है कि परमाणु बम वगैरह बना लिया है। कई लोग कहते हैं कि इस धरती को कई बार एक तरह से खत्म किया जा सकता है, इस तरह की आपकी परमाणु बम बनाए जा चुके हैं। आप देखिए, लेकिन एक छोटे से वायरस ने हमारी औकात याद दिला दी है कि तुम मतलब एक तरह से हमारा अस्थायी जीवन है, कोई या जीवन का वो नहीं है, देख रहे हैं। और आज आप देखेंगे असत्य यानी कि सत्य ना बोलना एक तरह से मानव धर्म बन चुका है, धोखा देना, अवसर का फायदा उठाना, चालाकी, लालच, स्वार्थपरता, ये सभी एक तरह से अगर इंसान मुझे लगता है कि जन्म लेता है तभी से उसमें शिक्षाएं दी जाने लगती हैं कि तुम एक स्वार्थी बनो, धोखा दो। इस समय की मानव में आप लोग देखिए, और आजादी के पहले आप लोग जाइए, उस तरह और इस समय जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। गांधी जी धर्म व नैतिकता में अटूट विश्वास रखते थे। उनके लिए धर्म प्रथाओं व आडंबरों की सीमा में बांधा हुआ नहीं, वरन आचरण की एक विधि थी। गांधी जी के अनुसार धर्मविहीन राजनीति मृत्यु जाल है। धर्म व राजनीति का यह अस्तित्व ही समाज की बेहतरी के लिए नींव तैयार करता है। गांधी जी साधन व साध्य दोनों ही की शुद्धता पर बल देते थे। उनके अनुसार साधन व साध्य के मध्य बीज व पेड़ के जैसा संबंध है, और एवं दूषित बीज होने की दशा में स्वस्थ पेड़ की उम्मीद करना अकल्पनीय है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा है कि आपके बीज में ये खोट है तो वो जो स्वस्थ पेड़ पेड़ मतलब जो भी होगा वो अस्वस्थ होगा। एक तरह से आप उसी तरह से समझ सकते हैं। एक काफी आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि दो तोता थे, एक डकैत के मतलब घर में पलता है, एक किसी पुजारी या आप कह दीजिए संत के घर में पड़ता है, तो उन दोनों पर वैसा ही असर पड़ता है। पुजारी के घर से कभी निकलता है तो वो राम राम करता है, और डाकू के घर से निकलता है तो वो मारकाट की बात करता है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं, गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार 1983 से माफ करिएगा 1883 होगा यहाँ 1883 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाई गई थी। एक तरह से आप समझिए कि जब चंपारण आंदोलन देख लीजिए, आप कोई भी आपका अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, यहाँ भीड़ इसलिए इकट्ठी नहीं होती थी कि कोई साथ देने के लिए, उस समय भीड़ इकट्ठी इसलिए होती थी कि देखते थे कि गांधी जी कौन से गांधी जी है। एक कहावत चलती थी कि वो सुनते थे सभी लोग के एक हाड़ मतलब सूखी एक तरह से पर्दी लपेटे हुए और एक तरह से भिखारियों की तरह डंडा लिए हुए चल रहा है, तो इसी छवि जो बनाई गई थी उन्हीं को देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी। आप 2014 के चुनाव में देखते होंगे कि प्रधानमंत्री की रैली जो हुआ करती थी उसमें जनता इसलिए इकट्ठी हुआ करती थी कि देखना चाहती थी कि आखिर कौन है नरेंद्र मोदी, समझ रहे हैं। तो 1983 नहीं है, आप जानते हैं कि 1948 में तो उनकी डेथ ही हो गई है, तो 1883 से 1914। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है बल्कि पारंपरिक, आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यही यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक भी है जिनको गांधी जी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक, नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। गांधी जी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों जैसे भगवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन आदि से विकसित किया है। टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का महात्मा गांधी का पर गहरा प्रभाव था। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा है। आप ही सोच लीजिए कि अहिंसा की बात कब से की जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि गांधी जी ने पहली बार उसका उपयोग किया था,
आप देखिए, हम लोगों ने बायोग्राफी जब कवर की थी तब बताया भी था आपको, गौतम बुद्ध को देखिए आप लोग, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी रहे उनको पढ़िए, वहां तब भी बात की गई है अहिंसा की आपकी, ठीक है। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ छुआछूत उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा और खादी को बढ़ावा दिया और ग्राम स्वराज का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा और परंपरागत चिकित्सा चिकित्सीय ज्ञान के उपयोग सहित तमाम दूसरे उद्देश्यों पर कार्य करना निरंतर जारी रखा। सत्य के साथ गांधी जी के प्रयोगों ने उनके इस विश्वास को पक्का कर दिया था कि सत्य की सदा विजय होती है। और ऐसे आप भी तो बोलते हैं कि सत्य एक तरह से परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, लास्ट में सत्य की ही जीत होती है और सही रास्ता सत्य का ही रास्ता है। आज मानवता की मुक्ति सत्य का रास्ता अपनाने से ही है। गांधी जी सत्य को ईश्वर का पर्याय मानते थे। गांधी जी का मत था कि सत्य सदैव विजयी होता है। और जो आप पंचायती की बात सुनते रहते हैं ना, पंचायत व्यवस्था की, ये याद रखिए संविधान में आपकी उसी समय जगह मिल जाती है। अगर 1948 कुछ से कुछ समय के लिए और गांधी जी जिंदा रहते तो उसी समय आपकी जगह मिल जाती, जो आप देखते हैं 1992-93 में जाकर जगह मिली है। और अगर मनुष्य का संघर्ष सत्य के लिए है तो हिंसा का लेस मात्र उपयोग किए बिना भी वह अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकता है। आप देखेंगे ये प्रमुख गांधीवादी अवधारणा विचारधारा है और इन्हें आप लोगों को पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। और जब भी इस तरह की आंसर राइटिंग होती है, आंसर लिखने के लिए आता है कहीं भी, तो आप इन तथ्यों को डाल भी सकते हैं वहां। इसमें आप देखेंगे ट्रस्टीशिप, स्वदेशी, सत्य और अहिंसा, सर्वोदय, स्वराज और सत्याग्रह, ये क्या है, प्रमुख गांधीवादी विचारधारा के मूल तत्व या आधार है, ठीक है। अगर सत्य की अगर हम बात करें तो गांधी जी सत्य के बड़े आग्रही थे। वे सत्य को ईश्वर मानते थे और सत्य उनके लिए सर्वोपरि सिद्धांत था। वे वचन और चिंतन में सत्य की स्थापना का प्रयत्न करते थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो राजनीतिक मंत्रीगण अपने पद की शपथ ईश्वर को साक्षी मानकर करने के बावजूद गलत काम करने से पीछे नहीं हटते, अपने कर्मों के पालन के समय भी सत्य को भी नकार देते हैं। अगर गांधीवादी सिद्धांतों का सही तरह से पालन किया जाए तो देश नवनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ चलेगा और इसके लिए हम आप ही लोग जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि एक तरह से आप समझिए कि कभी भी आप कोर्ट में देख लीजिए कहीं गीता की कसम खाई जाती है, कभी आप देखते हैं कि संविधान का एक तरह से शपथ ली जाती है जब आप मंत्री या विधायक बनते हैं या कोई भी आपको पद मिलता है। लेकिन आप देखिए क्या उनका हम लोग पालन करते हैं। मंत्री साहब को देख लीजिए आपके, मैं तो कहता हूं कि नेता अगर गरीब है तो सबको ऐसी गरीबी होनी चाहिए सबके पास। आज आप देखेंगे कि कई लोग बोलते हैं हम गरीब हैं और वीआईपी फ्लाइट में घूम रहे हैं, वीआईपी सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे गरीब तो हर घर में पैदा होना चाहिए। एक कोई बता रहा था कि वो, मुझे याद था कि समझ में नहीं आया कि ये गरीबों के लिए लड़ते लड़ते अमीर कहां से हो जाते हैं नेता। तो आज के नेताओं की ये हाल है। पहला इनका सत्य है, फिर देखेंगे अहिंसा। गांधी जी के अनुसार मन वचन और शरीर से किसी को भी दुख ना पहुंचाना ही अहिंसा है। गांधी जी के विचारों का मूल लक्ष्य सत्य एवं अहिंसा के माध्यम से विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना है। अहिंसा का अर्थ ही होता है कि प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक स्तर पर मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा के सिद्धांत का पालन करने पर बल देते थे। आज के संघर्षग्रस्त विश्व में अहिंसा जैसा आदर्श अति आवश्यक है। गांधी जी बुद्ध के सिद्धांतों का अनुगमन कर इच्छाओं की न्यूनता पर भी बल देते थे। यहां आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है, किसी को भी दुख ना पहुंचाना ही अहिंसा है। आज के समय में देख लीजिए आप लोग, आपको खुशी तभी मिलती है जब आप किसी को रुला लेते हैं या किसी को धोखा देते हैं, तभी आप आगे बढ़ने की एक तरह से लालसा रखते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, यदि इस सिद्धांत का पालन किया जाए तो आज शुद्ध राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्याकुल समाज व विश्व अपनी कई समस्याओं का निदान खोज सकता है। असंपूर्ण विश्व अपनी समस्याओं का हल हिंसा के माध्यम से ढूंढना चाहता है। वैश्वीकरण के इस दौर में वसुधैव वसुधैव कुटुंबम की अवधारणा ही खत्म होती जा रही है। अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे देश हिंसा के माध्यम से प्रमुख शक्ति बनने की होड़ एवं दूसरों पर वर्चस्व के इरादे से हिंसा का सहारा लेते हैं। इस हेतु वैश्विक रूप से शस्त्रों की होड़ लग गई है, यानी कि हथियारों की। यह आंधी दौर दुनिया के अंततः विनाश की ओर ले जाता है। आज अहिंसा जैसे सिद्धांतों का पालन करते हुए विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है, जिसकी आज पूरे विश्व को आवश्यकता भी है। आप देखेंगे आपकी विदेश नीति जब निर्धारण की जाती है तो उसमें ये भी गांधी जी का एक तरह से बहुत
उनकी विचारधारा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है कि सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना, या व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट ना पहुंचाने की एक विधि है। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध, महावीर की शिक्षा, टॉलस्टॉय और रस्किन सहित कई अन्य महान दर्शनों में मिलती है। गांधी जी का मत था कि निष्क्रिय प्रतिरोध कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। वे इसे दुर्बल मनुष्य का शस्त्र नहीं मानते थे। उनके अनुसार शारीरिक प्रतिरोध करने वाले वाले की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोध करने वाले में कहीं ज्यादा साहस होना चाहिए। आज के समय में सत्याग्रह का प्रयोग विभिन्न स्थानों एवं परिस्थितियों पर सुसंगत एवं तार्किक प्रतीत होता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नीतियों आदेशों से मतभेद की स्थिति में विरोध हेतु सत्याग्रह का प्रयोग कहीं शेष करें। आत्मबल शारीरिक बल से अधिक श्रेष्ठ होता है। बुराई के प्रतिकार के लिए यदि आत्मबल का सहारा लिया जाए तो मौजूदा परेशानियां दूर की जा सकती है। फिर एक आप सुनते थे सर्वोदय, सर्वोदय योजना के बारे में आप सुनते रहते हैं। सर्वोदय का शब्द शब्द का अर्थ है कि सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति, यानी कि सभी को साथ लेकर करने जाने की बात। यह शब्द पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अंटू दी लास्ट में पढ़ा था। सर्वोदय ऐसे वर्गविहीन, जातिविहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिले। ऐसे समाज में वर्ण, जन्म, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का ना तो संघार हो और ना ही बहिष्कार किया जाए। सर्वोदय शब्द गांधी जी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें सर्वभूत हित रता की भारतीय कल्पना, सुकरात की सत्य साधना, रस्किन की अंत्योदय की अवधारणा सब कुछ सम्मिलित देखने को मिल गया। इसमें गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने पीछे कोई पंथ या समुदाय नहीं छोड़ना चाहता हूँ। यही कारण है कि सर्वोदय आज एक समर्थ जीवन, समग्र जीवन और संपूर्ण जीवन का पर्याय भी बन चुका है। आज के दौर में पूरा विश्व एक ऐसे ही समाज की खोज में है जहाँ शोषण वर्ग, जाति आदि की कोई जगह ना हो। कहीं रोहिंग्या तो कहीं सिया और सुन्नी के नाम पर हिंसा हो रही है, तो कहीं आतंक फैलाया जा रहा है, एक वर्ग दूसरे का शोषण कर रहा है जिससे समाज में अव्यवस्था फैल रही है। अगर गांधी जी के सर्वोदय की संकल्पना साकार होती तो संपूर्ण विश्व एक परिवार का रूप ले सकता था। फिर सुनते हैं आप लोग स्वराज। हालांकि स्वराज शब्द का अर्थ स्वशासन से है, लेकिन गांधी जी ने इसे एक अन्य ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी कि जो जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है। गांधी जी के लिए स्वराज का अर्थ व्यक्तियों के स्वराज, स्वशासन से था, और इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता और अपने संपूर्ण अर्थों में स्वराज स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। आत्मनिर्भर व स्वायत्त ग्राम पंचायतों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण समाज के अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करना ही गांधी जी का ग्राम स्वराज सिद्धांत था। आर्थिक मामलों में भी गांधी जी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के माध्यम से लघु, सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल देते थे। उनका मत था कि भारी उद्योगों की स्थापना के पश्चात इनसे निकलने वाली जहरीली गैसें व धुआं पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, साथ ही बहुत बड़े उद्योगों का अस्तित्व श्रमिक वर्ग के शोषण का भी मार्ग तैयार करता है। आज के इस महामारी के दौर में जब पूरे विश्व को एक बार फिर आर्थिक मंदी की ओर जाने का खतरा दिखाई दे रहा है, ऐसे में इन कुटीर उद्योगों की स्थापना गरीब श्रमिकों के लिए आशा की किरण साबित होगी। देखिए, ग्राम पंचायत या ग्राम स्वराज सिद्धांत का मतलब इतना है कि आप लोगों ने लॉकडाउन के टाइम भी देखा है, जैसे आपके गांव की क्या समस्या है इसे आपका विधायक नहीं जानता होगा, शायद आपका मंत्री नहीं जानता, आपका जो संसद सदस्य आपने लोकसभा सदस्य चुना है वो भी नहीं जानता होगा। तो इसके लिए आपकी ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। एक तरह से सरपंच को तो आपके क्षेत्र का मालूम होगा ना, कि सरपंच साहब को मालूम होगा कि आपके नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो यही काम रहता है इन सरपंचों का। ये अलग बात है कि आपके सरपंच खुद में विकास करते हैं और दूसरों में नहीं विकास करते हैं। अभी किसी का कहीं बात कर रहा था, किसी से पूछ रहा था, तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताया। मैंने पूछा विकास तुम्हारे गांव में कितना हुआ, सरपंच का ही लड़का था, तो उसने बोला कि देखिए हमारा विकास इतना हुआ कि एक फॉर्चूनर गाड़ी, एक फोर व्हीलर रखी हुई है, एक दो चार पांच दो तीन ट्रैक्टर हैं, एक दो डंपर हैं, उसके बाद उसके पास एक ये बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं वो भी है, तो बोले इतना विकास किया है।
तो मैंने पूछा कि तुम्हारे विकास तो दिख रहा है, गांव के विकास की बात कर रहे हो। तो उसने कहा देखा है गांव की कितना विकास है। तो यही हाल है हमारे यहाँ के सरपंचों का, कोई भी नेता है आपका, अगर हकीकत में अगर आप सोचिए कि जो इनका कर्तव्य है उसे अगर ये पूरी तरह से निभाते तो हमारे देश कहीं से कहीं पहुंच सकता था। और याद रखिए लॉकडाउन में आपने देखा है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, ये बेहतर इससे हम लोग निपट सकते थे। कोरोना इतना बड़ी संख्या में ना फैलता अगर हम लोग सभी अपना धर्म निभाते तो, ये नेता जो भी है। आपने देखा है लॉकडाउन के कारण कोई गरीब की मदद के लिए आपको रोड पर कोई नेता नहीं दिखा है। आप समझिए किसी ने किसी की मदद नहीं की, आपका पड़ोसी ही आपके काम में आया है। तो आपसे इसीलिए कहता हूं कि आपके पड़ोसियों से बना के रखिए। एक आप सुनते हैं ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। यह सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर और भगवत गीता के अध्याय से उनमें विकसित हुआ था। वर्तमान समय में गांधी जी की विचारधारा काफी प्रासंगिक भी है। जब विश्व में गरीबी और भुखमरी चारों तरफ अपना साया फैलाई खड़ी है, गांधी जी का यह विचार कि धन व उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की स्थापना हेतु न्यास जैसी व्यवस्था स्थापित की जाए काफी मायने भी रखती है। फिर बात करते हैं स्वदेशी की। स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह संस्कृत के दो शब्दों का एक संयोजन है। स्व का अर्थ होता है स्वयं और देश का अर्थ होता है देशी, अर्थात अपना देश। स्वदेशी का शाब्दिक अर्थ अपने देश से लिया जाता है, परंतु अधिकांश संदर्भों में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जा सकता है। आप देखते होंगे कि आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, अभी भी आप देख रहे हैं। स्वदेशी राजनीति राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर ध्यान केंद्रित करता है और यह समुदाय और आत्मनिर्भरता की अन्योन्याश्रितता है। और गांधी जी का यह मानना था कि इससे स्वतंत्रता स्वराज को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में नहीं था, निहित था। स्वदेशी अभियान भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। आज जब अमेरिका और चीन जैसे देश व्यापार युद्ध के माध्यम से अपने देश को सशक्त और दूसरे देशों की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने पर तुले हैं, ऐसी स्थिति में स्वदेशी की यह संकल्पना देश के घरेलू उद्योगों और कारीगरों हेतु तो एक वरदान की भांति सिद्ध होगा। गांधी जी के शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन व जीविका कमाने का कार्य एक साथ करने पर बल देते थे। आज जब बेरोजगारी देश की बढ़ती एक समस्या है, तब गांधी जी के इस विचार को ध्यान में रखकर शिक्षा नीतियां बनाना लाभप्रद होगा। गांधी जी का राष्ट्र का विचार भी अत्यंत प्रगतिशील था। उनका राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम के विस्तार से प्रेरित था। वे राष्ट्रवाद की अंतिम परिणति केवल एक राष्ट्र के हितों तक सीमित ना मानते हुए उसे विश्व कल्याण की दिशा में विस्तृत करने पर बल देते थे। आजकल राष्ट्रवाद का अतिवादी स्वरूप होता देखकर गांधीवादी राष्ट्रवाद सटीक लगता है। हम पाते हैं कि गांधी जी के विचार शाश्वत हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने जमीनी तौर पर अपने विचारों का परीक्षण किया और जीवन में सफलता अर्जित की जो न सिर्फ स्वयं के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए थी। आज दुनिया गांधी के मार्ग को सबसे स्थायी रूप में देखती है। तो ये है आपके गांधी जी के विचारों की इस समय में भी आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए उस समय गांधी जी अगर राजनीति देखिए राजनीति में क्या, वो तो देश को आजाद करने के लिए उतरे। तो आप सोचिए कि हर जगह वो घूमे। आज के नेताओं को आप देखिए रैली करने जाते हैं तो एक एरोप्लेन लेते हैं और जाके उस रैली, आप गांव की स्थिति नहीं देखते हैं वो कि किस घर में कितनी प्रॉब्लम है, किस क्षेत्र में कितनी प्रॉब्लम है। जाएंगे एक स्थान चुन लेंगे, वहीं आपके जाके वहीं भाषण देके चले आएंगे। इनको आप लोग नेता बनाए बैठे हुए, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अगर देश आगे नहीं बढ़ रहा है, आपकी जो भी गलती है अगर उन्हें नहीं सुधारेंगे आप लोग भुगतते रहेंगे। अब बिहार का चुनाव देख लीजिए आप लोग पूरी तरह से कि वहां जो मुद्दे हैं खास उस पर बात नहीं हो रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष करके राजनीति चल रही है। आप देखना चुनाव निकल जाएगा पूरा इसी में जीत हो जाएगी। और बिहार कल भी पिछड़ा था, बाढ़ की समस्या कल भी थी, बेरोजगारी की समस्या कल भी थी, शिक्षा की समस्या कल भी थी, महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, गरीबी की स्थिति देख लीजिए, कल भी थी, आज है और कल भी रहेगी। ये अगर इस तरह की राजनीति होती रही है, अगर राजनीति बदलने वाली बदली हुई राजनीति हुई और जो मेन मुद्दे हैं उन पर अगर वोट पड़े तो आप देखिए आज नहीं तो कल नहीं परसों देश बदल जाएगा। और जो भी स्थिति जहां भी इस तरह के वोट पड़ते हैं उनकी स्थिति बदल जाती है। केरल का मुद्दा आप लोग ले लीजिए। कहा जाता है कि जब बाकी देश राज्यों में
धर्म जाति के नाम पर वोट पड़ रहे थे। उस समय केरल में काम के नाम पर स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं की स्थिति, रोजगार, इस तरह के मुद्दों पर वोट पड़ते थे। तो आज उसका आपके सामने रिजल्ट भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग किसी के बारे में उल्टा सीधा आजकल सोशल मीडिया पर, आप लोग वायरल जो भी बुरी खबर होती है, एक तरह से झूठी खबर होती है, वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो ऐसी घटनाओं से बचा करिएगा और सबके बारे में जाना करिएगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बायोग्राफी कवर की थी जब इस सभी नेताओं की, आपके वहीं से लेकर प्राचीन भारत से ही, आपके पर चाहे गौतम बुद्ध साहब हो, महात्मा गांधी को छोड़िए, ये तो 1900, आप देखिए 1969 से आप देखते हैं कि 1948 के बीच का समय है, लेकिन हम लोगों ने महात्मा गांधी है, वो आप सोचिए कि सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनसे लेकर आपकी पूरी कवर की हुई है। तो आप जाकर देखते रहिएगा, और अभी तक जितने आपके प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति हैं, इन सब के बारे में बात की है। ठीक है, बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट सूची है।